इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप 2023 से पहले खुल गई सारी पोल जीत के बावजूद टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा विलेन बना ये सुपरस्टार। अगर आप ये जानना चाहते तो हम आपको बताएंगे। उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्पोर्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए सीरीज के पहले वनडे मैच में न्यूजीलैंड को 12 रन से हरा है। रोहित शर्मा की कप्तानी से खेले गए टीम इंडिया की निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 350 का विशाल स्कोर खड़ा किया है। मैनेजमेंट टीम के गेंदबाजी से सामने क्यूबिल के खूब रन बनाए हैं। खासतौर पर माइकल वैक्सन तो वह भारतीय फैंस को धड़कने बाद बढ़ी थी। न्यूजीलैंड टीम का आखिरी 337 रन पर ऑल आउट हो गए थे। भारत को भले ही मैच जीत लिया लेकिन आगामी वनडे वर्ल्ड कप के लिए अब पहले ही उनकी बड़ी पोल खुल गई है। टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर सुमन गिल ने मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 149 गेंदों में 19 चौके और 9 छक्के के बदौलत 208 रन बनाए हैं। वह वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जमाने वाले सबसे कम उम्र में बल्लेबाज बने हैं। गिल वनडे में दोहरा शतक जड़ने वाले भारत के 5वें और दुनिया के 8वें बल्लेबाज हैं। टीम इंडिया के उनके पारी में बदौलत 50 ओवर में 8 विकेट पर 350 रन का विशाल स्कोर बनाए। उनके बाद टॉप स्कोर कप्तान रोहित शर्मा ने जिन्हें 38 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के में 34 रन बनाए। ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया आसानी से मुकाबला जीत लेगी लेकिन उनके गेंदबाजी में अंतिम ओवर में खूब रन लुटाए। माइकल ब्लेसन को आउट करने के लिए कामयाब अंतिम ओवर में जमकर लगे। यह ब्लेसन ठीक रहे तो जाहिर तौर पर मैनेजमेंट के हाथ से फिसला जाता। भारतीय गेंदबाज 6 विकेट पर 331 रन तक झटका लिए थे। आखिरी बात 3 विकेट के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। भारत के इसी साल के अंत में मैनेजमेंट वनडे वर्ल्ड कप है। ऐसे अगर ही हाल काफी मुश्किल हो सकती है। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में बेहद महंगे साबित हुए। उन्होंने 7 ओवर में गेंदबाजी के 70 रन लुटा दिए हैं। इसके साधु ठाकुर 4.7 की इकोनॉमी से रन रेट लुटा है। 2 विकेट कामयाब रहे हैं। खास तौर पर साधु ठाकुर के माइकल ब्लेसन को LBW आउट किया है। ब्लेसन अगर जमे रहते तो मैच का परिणाम कुछ और हो सकता था। आप लोग क्या लगता है कि इस मैच को जिताने वाला मैच विनर कौन है हमें कमेंट कर जरूर बताएगा। साथ ही इसके इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्पोर्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिलहाल इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।